अभी मैं आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। और यदि किसी कारण से आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियाँ अधिक आ रही हैं, या बिल्कुल स्टार्टिंग से आप शॉर्टहैंड सीखना चाह रहे हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। शॉर्टहैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना है, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है, अभी मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर के तैयार रहिए डिक्टेशन लिखने के लिए। आपसे कुछ ही सेकंड में डिक्टेशन बोलने वाली है। रेडी स्टार्ट। किसी काम को व्यवस्था के साथ किया जाए तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती। यदि हमारे कामों में व्यवस्था की थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो हमारे काम बिगड़ जाते हैं और हम उन्नति नहीं कर सकते। सभी बड़ी-बड़ी संस्थाएं नियमानुसार ही चल रही हैं। बिना नियम और अनुशासन के ना तो कोई व्यवसाय चल सकता है और ना सामाजिक उन्नति ही की जा सकती है। क्या व्यापारी और क्या नेता, सभी को नियम पूर्वक कार्य करने से ही सफलता प्राप्त होती है। व्यवसाय में तो विशेष तौर पर नियम तथा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। बिना किसी दक्ष प्रबंधक के और अनियमितता दूर किए बिना व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर पाना असंभव है। यदि व्यवस्था न की जाए तो व्यक्तियों का बहुत सा समय और धन नष्ट हो जाए। उचित व्यवस्था करके ही शक्ति और समय की बचत की जा सकती है। नियम पर चलते रहने से समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। नियमित व्यक्ति अपनी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकते, बल्कि एक नियत स्थान पर रखते हैं, जिससे उन्हें ढूंढने में समय या शक्ति नष्ट नहीं करनी पड़ती। इस प्रकार उनकी शक्ति और समय अन्य लाभप्रद कार्यों में लगते हैं। नियम पालन करते अर्थात व्यवस्था में रहने से ऐसी बुद्धि स्फुटित होती है जिसकी सहायता से बड़े काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। व्यवस्था के कारण नियमित व्यक्ति थोड़े समय में इतना अधिक काम कर लेता है कि लोगों को आश्चर्य होने लगता है। व्यवस्थित होने के कारण उसे सफलता ही सफलता मिलती जाती है, जबकि अनियमित व्यक्ति असफल हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि नियमों का पालन दृढ़ता पूर्वक किया जाए, तब उद्देश्यपूर्ण हो सकता है, अन्यथा नहीं। समाज की उन्नति भी नियम और अनुशासन पर ही आश्रित है। यदि
नियमों के क्रम को समाप्त कर दिया जाए तो उन्नति रुक जाएगी। क्या साहित्य, क्या समाज और क्या धर्म, सभी की उन्नति नियमों का कड़ाई के साथ पालन करने के कारण ही हो सकती है। जिस साहित्य, समाज और जिस धर्म के नियमों का पालन दृढ़ता से नहीं हो सका, वह साहित्य, समाज और धर्म नष्ट हो गया। केवल 10 अंकों की व्यवस्था के आधार पर ही गणित में आशातीत उन्नति प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान समय की बड़ी से बड़ी मशीनें व्यवस्था के कारण ही सफलता पूर्वक काम कर रही हैं। उनकी व्यवस्था के कुछ आधारभूत नियम हैं, उन्हीं के अनुसार वे अपना कार्य कर रही हैं। यदि उनके नियमों अथवा व्यवस्था में थोड़ी सी भी कमी की जाए या ढील दे दी जाए तो वे मशीनें काम करना बंद कर दें और सब बेकार ही पड़ी रह जाएं। सफलता प्राप्त करने के लिए नियम पालन करने की अत्यंत आवश्यकता है। नियमों ने ही समाज, देश, राष्ट्र एवं संसार के लोगों को एक सूत्र में बांध रखा है। यद्यपि हमारे विचार, स्वार्थ तथा उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो किसी नियम व्यवस्था अथवा अनुशासन को नहीं मानते। कुछ लोग नियमों के आधार पर समाज को एकता के सूत्र में बांध देते हैं, फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रथमट की डिक्टेशन। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना और कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।